हेलो 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 एवरीवन एवरीवन गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सो वेलकम बैक टू ई करियर करपन लर्निंग ऐप सॉरी ई करियर करियरपन एन टी एस चैनल ओके सो आज है पेपर डिस्कशन सीबीएसई बोर्ड का और ये <coughs> 2024 ट्वेंटी फोर का पेपर है और यहाँ पे हम लेकर आए हैं साइंस का लाइव डिस्कशन मतलब आज ही जो पेपर हुआ है अभी के अभी आप जो देकर आए हैं उसके आंसर्स आपको हमसे मिलने वाले हैं बिल्कुल तो इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं ये आज ही जो पेपर कंडक्ट हुआ है ऑन सेकेंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड बोर्ड का पेपर है और हम जो पेपर लेकर आए हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में पेपर होते हैं हमारे पास सेट थ्री का पेपर है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं राइट हो सकता है और भी स्टूडेंट यहाँ पर हो जिनके जो पेपर है उनमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आए हो तो डोंट वरी आप अपने जो क्वेश्चन है या आपका जो पेपर है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पर शेयर कीजिएगा हम उन पेपर को भी डिस्कस जरूर करेंगे राइट right? सो so, हम स्टार्ट करते हैं डोंट वेस्ट आर टाइम ओके सो हमारे पास थर्टी नाइन क्वेश्चन है और थर्टी नाइन क्वेश्चन में सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिक्सअप है तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से हैं सो so, लेट सी दस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं एनसीआरटी की लाइन पर बेस्ड है एंड दीज क्वेश्चन टफ टू यू नो डी पहला क्वेश्चन है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो जो नेल है उसको फिफ्टीन मिनट बाद अगर निकालते हैं तो किस कलर का डिपोजिट आता है सो so, यहां पर हमें पता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर दैट इज ब्लू इन कलर अगर आयरन का नेल डिप करे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी एज पर दी रिएक्टिविटी सीरीज आयरन नेल इज मोर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा और जो ब्राउन डिपॉजिट आएगा वो होगा कॉपर का यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो डायरेक्टली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है जिसका कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है तो अभी जिस मैंने जो इक्वेशन बताई यहां बोला है कि कौन से केस में प्रोडक्ट बनेगा यानी कौन से केस में रिएक्शन होगी तो यहां पर एफई एसओ फोर प्लस सीयू तो ये अभी हमने देखा है पहले एग्जाम्पल में तो यहां रिएक्शन होगी सीयू एसओ फोर प्लस एफ ई और बाकी केसेस में देखें तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक भी बताई थी

फाइन सॉरी रिएक्शन यहां पर डी में होगी और बी में होगी तो बी एंड डी दैट इज डी डी इज करेक्ट कैल्सियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर कैल्सियम सल्फेट एंड कॉपर ठीक है कैल्सियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर इज जो हमने रिएक्शन अभी जस्ट देखी लास्ट इट वॉज द रिवर्स रिएक्शन रिवर्स इज नॉट पॉसिबल कॉपर को आयरन सल्फेट में डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा एक्चुअली कॉपर जो है कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर इट इज लेस रिएक्टिव देन कैल्सियम ये भी रिएक्शन नहीं होगी ठीक है रिएक्शन होगी यहाँ पर बी एंड डी दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक कहां पर यहां पर एंडोथर्मिक यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है सो हीट एब्जॉर्ब हो रही है डायरेक्टली आप डी ऑप्शन पे जा सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट एब्सॉर्ब करेगा इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्सियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है सीओ टो ये, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये अपने घर पर भी हम कभी यूज करते होंगे जो कलर वलर का आता है ना कलरिंग वगैरह करने के फिर वो जो क्विक लाइम है क्विक लाइम को वाटर में मिक्स करते हैं जो चूना होता है राइट फिर उससे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं बिल्कुल सही पहचाना सर आपने बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एच सी एल एच सी एल एच यानी कि बेस एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए वो ऑक्साइड तो आपकी बुक में दो ही हैं ऐसी ऑक्साइड एल्यूमिनियम और जिंक की दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर ए एल टू ओ थ्री और एक और एग्जाम्पल है जेड वेरी इजी ओके ओके चलिए जूस ऑफ़ टर्न्स ब्लू लिटमस रेड तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है यानी एसिडिक है बिकॉज इसमें कौन सा एसिड तो डायरेक्टली बहुत इजी क्वेश्चन है टार्टरिक एसिड टैमरिन यानी इमली में प्रेजेंट होता है सो हेयर द आंसर इज सी नेक्स्ट यहाँ हम आ जाते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट होमोलोगस सीरीज और आगे होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल भी दिया गया है सो डायरेक्टली पूछा है होमोलोगस सीरीज में पहला स्टेटमेंट है सक्सीडिंग तो ये सही है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास ये भी सही है थर्ड डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासन यू ये नहीं होगा इट इज फोर्टीन एक्चुअली नेक्स्ट सी टू एच टू सी थ्री एच वो आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ तो के सक्सेसिव है दोनों के बीच में सी एच टू का डिफरेंस है एक है इथिन एक है इथाइन एक है प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो इथाइन और प्रोपाइन है तो इसीलिए ये दोनों गलत है ए एन बी सही होगा यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर फाइन आपने भी यही किया प्रकाश वेरी गुड

एजेंट एंड एसोटू इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी की सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है और oh, बायो यहाँ आ चुकी है बिल्कुल तो मैम मैं, मैं यहाँ आपको command दे देती हूँ बायो की बायो इतनी इजी है ना मैम कि यहाँ पे ये देखते ही मेरे को क्या बताना है शायद ये मैम भी बता ये तो मैम आई थिंक क्लास सेवेंथ में पढ़ते हैं ठीक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स ऐसा कुछ यस yes. और इसलिए इसका आंसर हमारा सीधा सीधा मैं जल्दी से आगे जा रही हूँ ब्रायोफाइलम दिस इज सेट थ्री क्या ब्रायोफाइलम वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है यस डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधा बुक का डायग्राम है और ये हमें मतलब हम बोल के चलते कि ये तो आएगा ही ठीक है इनमें से कौन सा पेयर्ड नहीं है तो ये इतना जीके का क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं ओवरी भी पेयर्ड है टेस्टिस भी पेयर्ड है एड्रिनल भी पेयर्ड है तो ऑफकोर्स द आंसर इज पिच्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन सो मूविंग टू द नेक्स्ट यहां थोड़ा सोचने की जरूरत है लेकिन अगर आपने एनसीआर की एक एक लाइन पढ़ी है ना तो यह मुश्किल नहीं आने वाला और जब भी, भी हम इन्हेलेशन एक्जिलेशन पढ़ाते हैं तो हम डायफ्राम की और रिब्स की जो पोजीशन है वो ज़रूर डिस्क्राइब करते हैं तो टेकिंग इन ऑफ एयर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेलेशन और वो अगर हमें याद भी नहीं हो तो हम एक ट्रिक बताते हैं कि अंदर सांस लेकर देख लो कि रिब की क्या कंडीशन है सो वैन यू टेक इन द रिब द रिब्स आर लिफ्टेड एंड एट द सेम टाइम द डाइफ्रम जो डूम शेप्ड था नॉर्मली जो डूम शेड उसका पोजिशन है इट बिकम्स फ्लैटंड तो इसकी वजह से क्या होता है जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है रिब्स आर लिफ्टेड अप एंड डाइफ्रम इज फ्लैटंड सो दैट द एरिया इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड एयर गोज इन येस सो हियर द ऑप्शन इज बी करेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अब इसमें एक एक स्टेटमेंट देखना है और अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर नहीं आया तो इनडायरेक्टली उस पर क्वेश्चन बेस्ड आ गया ठीक है ये भी हम हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन हार्ट के स्ट्रक्चर पे बेस्ड आता है तो राइट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ये गलत है बिकॉज राइट एट्रियम ऑलवेज रिसीव्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रॉड फ्रॉम द वेनेकावा जो यहां पे नीचे मिल जाएगा हमें So this is wrong. Left atrium transfers the oxygenated blood through it receives the oxygenated blood by pulmonary vein and give it to left ventricle, jahase with the help of aorta it is distributed to various parts of the body. So second statement is true. Right atrium receives the deoxygenated blood, which is right, and through vena cava from which is collecting the deoxygenated blood from the lower parts and the upper parts. So this is true. Ho gaya. अगर हम आते हैं लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम डायरेक्टली नहीं करता वो वेंट्रिकल में भेजता है वेंट्रिकल आयोटा से डिस्ट्रीब्यूट करता है सो हियर दिस सेट थ्री ठीक है सेट थ्री ऑफ अजमेर जोन ये अजमेर जोन exactly. का पेपर है तो जोन वाइज भी थोड़ा डिफरेंस आता है पेपर में तो ये अजमेर जोन का है सेट थ्री ठीक है सो इफ आई गो विद दिस दिस इज ऑल्सो फॉल्स अगर यहां पे ट्रू uh, स्टेटमेंट की बात की गई है तो इट इज ऑप्शन बी एंड सी और अगर हम यहां पे देख लें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है अब ये वाली चीज भी अगर हमें कॉन्सेप्ट मोनोहाइब्रिड का आता है तो हम कर सकते हैं हमें यहां पे दिया है प्रोड्यूज 50% परसेंट टॉल एंड 50% परसेंट इज शॉर्ट और इसके लिए हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा ये चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब एक पेरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो और दूसरा पेरेंट यहां पे रेसेसिव कंडीशन में हो तो जब आप इसको क्रॉस करते हैं सो वेन यू क्रॉस इट तो टॉल यहां पर आ गया एंड वेन यू क्रॉस दिस आपको शॉर्ट मिल गया बाकी सब में अगर आप देखें तो ये वाले में आपको जो परसेंटेज मिलेगी वो थ्री टू वन की मिलेगी ये हम पढ़ते ही हैं यहाँ पे करें तो ऑल टॉल और यहाँ पे करें तो भी बिल्कुल पहचान लिया हमने आपको यस कार्तिक सिंह मुंबई वाले कभी कभी स्टेडियम में भी क्रिकेट देखने जाया करते थे वही है ना और हितेश सॉरी वी कुड नॉट ब्रिंग यू द मेंटी बट वी द लाइव डिस्कशन ऑफ ठीक है सो so यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से चले ऑप्शन सी जाना चाहिए सी पे जाना चाहिए और <laughs> अब मैं बुलाना चाहूंगी जावेद सर को कोर्स यहाँ okay, पे फिजिक्स का क्वेश्चन हाँ, जैसे ये एम्पियर और रेजिस्टेंस दिखता है ना तो जावेद तो तो सर ये तो... ग्राफ देखकर यू कैन जज व्हाट इज द आंसर ओवर यस यस मैम सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ओम्स लॉ ओके एंड क्वेश्चन जो है एक्चुअली बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ द होम स्लोपर जहां पर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात की गई थी यहां पर एक कर्व आपको गिवन है आई वर्सेस वी में आई यहां पर वाई एक्सिस पर करंट है और एक्स एक्सिस पर यहां पर वोल्टेज है ये जो ग्राफ हमारी एनसीआरडी पर गिवन है वो कुछ इस तरीके से है जहां पर वाई एक्सिस पर वी है और एक्स एक्सिस पर करंट होता है अगर हम यहां पर इसके स्लोप की बात करें वी आई ग्राफ के स्लोप की बात करें तो यहां पर जो स्लोप होगा ये स्लोप आपको वायर का रजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है स्लोप का मतलब ये जो एंगल एंगल होगा ना आई के साथ की हम बात कर रहे हैं एग्जाम है, है। है है। उसको इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा कॉन्सेप्ट आपको चेंज नहीं करना है अगेन यहां पर जो स्लोप होगा वो रजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा बट दिस टाइप ये होगा तो यहां पर अगर आप देखिए तो r3 के लिए स्लोप कम है r2 के लिए स्लोप थोड़ा ज्यादा है और मैक्सिमम स्लोप किसके लिए है r1 के लिए इस वाले केस में जहां पर y एक्सिस पर करंट है और x एक्ष एक्सिस पर वोल्टेज हो यहां पर स्लोप का मीनिंग क्या होगा स्लोप का मीनिंग होगा रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस दैट्स मीन जिसका स्लोप ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका स्लोप कम होगा लेस होगा वहां पर रेजिस्टेंस हाई होगा तो आप देखिए यहां पर स्लोप सबसे कम किसके लिए है? है। है। है के के लिए। लिए का है. After that, R2 होगा। और सबसे सबसे ज़्यादा इसका मतलब है, सबसे कम वैल्यू आर वन की है तो रजिस्टेंस यहां पर मिनिमम कौन सा होगा आर वन तो अगर आप ऑप्शन से तो ऑप्शन सी में आपको दिख जाएगा R3, greater than, than R2, than R1 होगा। आपको यहां पर थ्री रजिस्टेंस का कंपेरिजन करना था राइट right? ओके okay, ठीक है बिल्कुल सारी का आपने सही कहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम रजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइव आइडेंटिकल रजिस्टर्स ईच ऑफ यू वन बाय फाइव ओम तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है निहायत ही सिंपल है क्योंकि वन बाय फाइव ओम के आपको रजिस्टर कनेक्ट करना है और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी जब ये सारा कनेक्शन किस में होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ आपको फाइव रजिस्टेंस को जो कि वन बाई फाइव ओम के ईच है इन सभी को सीरीज में कनेक्ट कर देना था और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए फॉर्मूला होगा आर वन प्लस आर टू यानी कि वन बाई फाइव प्लस वन बाई प्लस वन अपॉइंट फाइव प्लस वन तो सोल्व करने पर ये कितना होगा फाइग फाइग होगा यानी कि वन ओम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू बनेगी रेजिस्टेंस की जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा थर्टी वन फोर वन भी करवा देना सर बिल्कुल सारे का हम करवा देंगे आपका जो पेपर है आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आप वहां पर शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ डेफिनेटली हम उसको भी यहां पर सोल्व कर लेंगे राइट

स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम आप याद कर लीजिए बट ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे दी गई है कि थ्री इंटू टेन पावर एट को आपको टू पॉइंट टू फाइव इन टू टेन टू दावर एट जो कि मीडियम में लाइट की स्पीड है उससे डिवाइड कर देना है आप जब इसे सोल्व करेंगे तो बनेगा थ्री हंड्रेड अपन टू ट्वेंटी फाइव और फाइनली सोल्व करने पर ये बनने वाला फोर बाई थ्री राइट तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो अगेन ऑप्शन नंबर सी है इज इट क्लियर बिल्कुल सही कहा आपने राइट ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट काफी सारे स्टेटमेंट यहां पर गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ठीक है थीके? फ्यूज इन अ सर्किट प्रीवेंट डैमेज टू द सर्किट ड्यू टू है जो फ्यूज वायर है हम सर्किट में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग तो यहाँ पर ओवरलोडिंग से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है करेक्ट है टोटल रजिस्टेंस इन सर्किट इंक्रीज ड्यू टू ऑवरलोडिंग गलत है जब भी कंडीशन ओवरलोडिंग की होती है या फिर हम बात करें शॉर्ट सर्किटिंग की होती है तो एक हाई अमाउंट का करंट फ्लो होता है हाई अमाउंट का करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट का रजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि जो फॉर्मूला होता है करंट का डेट इज इक्वल टू आई टू वी आर ये वैल्यू डिक्रीज होने पर ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो रजिस्टेंस डिक्रीज होगा तभी करंट इंक्रीज होगा तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट इन द सर्किट एड्रप्ली इंक्रीजेस बिल्कुल करेक्ट है अभी हमने ऑप्शन नंबर टू में स्टेटमेंट नंबर टू है में यही देखा है कि डिक्रीज होने पर करंट इंक्रीज होगा और करंट यहां पर तो ऑप्शन में नहीं होता है में सभी रजिस्टेंस के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा राइट right? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है तो यहां पर ए एंड सी करेक्ट होगा कंटिन्यूअसली ऑप्शन सी ही करेक्ट आ रहा है मतलब थ्री क्वेश्चन आए और तीनों में ही सी करेक्ट है राइट चलिए लेट्स कम नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन है और कार्बन यहाँ पर आया है तो ऑब्वियसली सर और ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है, है ये आप लोगों के लिए सीबीएसई ने इजी बना दिया क्योंकि इनमें से एक ही सही है कार्बन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव सो कार्बन कैनॉट रिड्यूस इट्स ऑक्साइड तो पहला ए फॉल्स है

सेकंड भी करना है क्योंकि क्यों क्योंकि फर्स्ट ए ए इज इज फॉल्स ऑप्शन तो ऑप्शन डी पे चले जाओ डायरेक्ट राइट ऑप्शन डी पे चले जाइए आप तो अगर हम यहाँ पर रीजन देखें स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज द करंट इन द कंडक्टर ये बिल्कुल सही है और ये एक तरीके से कंफ्लिक्ट भी कर रहा है जो असर्शन में मेंशन है राइट right? तो यहाँ पर रीजन सही है पर असर्शन रॉन्ग है तो यहां पर ऑप्शन डी अप्रोपियट आंसर रहेगा अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपियर्स ब्लू मुझे हमेशा ब्लू ही दिखा है तो ये तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट है ना मैं जब से पैदा हूं तब से ब्लू दिखा है। <laughs> ये तो करेक्ट नहीं पोल्यूशन हो जाए, ये तो, ब्लू तो करेक्ट नहीं हो गया मतलब आपको याद भी नहीं करना ये तो सभी को पता है तो ये तो ट्रू है

माथे पे जो बिंदिया होती है डेट रेड कलर डेंजरस साइन ऑल आर ऑल्पल राइट तो यहाँ पे यहाँ पर अच्छा चेताली में मेरे साथ है ना लेकिन जो है वो फैक्ट तो फैक्ट है ना क्या कर सकते हैं ना तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए तो ट्रू हो गया पर ये रीजन फॉल्स हो, हो गया तो सीधा सीधा सी तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है मैं एक बार बता देता हूँ मेन रीजन ये है और ब्लू की सबसे लॉस्ट लीस्ट होती है यहाँ पर ऑपोजिट लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आई मीन असेशन इज करेक्ट रीजन इज फॉल्स तो यहाँ पर आप सी पे चले जाइए राइट गाइस ओके चलिए चलिए मूव करते है, अगला आते हैं हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखो अभी मैं यहाँ पे केमिस्ट्री भी भी देखा रीजन मैंने फिजिक्स देखे है कि इनका एक ना एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो सी और डी पे आ गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेलो राजवर्धन यस यस वी आर हिस्स विथ थ्री आर ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली बायो में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कंफ्यूजन नाउ कम्स द टर्निंग पॉइंट क्योंकि फीमेल का परफेक्ट यहाँ पे पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है ये क्योंकि वो एक्स एक्स है तो परफेक्ट है इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट अगर हम रीजन की बात करें तो ये भी सही है कि फिटस जो जयगोट है जो बनने वाला है इट डिपेंड्स अपॉन वॉट द क्रोमोजोम इज बीन कैरिड बाई द स्प वेदर इट इज एन एक्स और अ वाई तो वो डिपेंड करता है मेल पे तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है अब यहाँ फर्स्ट जाता है कि बी या ए अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लेकिन अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखें तो रीजन इज नॉट जस्टिफाइंग दोनों इंडिपेंडेंट ट्रू स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है तो यहां पे मैं जाऊंगी बी के साथ राइट सो आई एम गोइंग विद एन ऑप्शन बी और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का टू uh, मार्क्स का क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मैम यहाँ तो डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि एक केमिकल रिएक्शन बताओ जहाँ एवोल्यूशन ऑफ गैस हो तो आप कोई भी रिएक्शन बता सकते हैं बुक में बथेरो रिएक्शन है तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जेड एन प्लस टू एस सी एल जेड एन सी एल यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो मैंने ये रिएक्शन ले ली चेंज इन कलर कोई सी बता सकते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करना है लेड नाइट्रेट यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करना है तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ PbNo3 थ्री होल्ड लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड तो PbI2 टू पीपीटी बनेगा लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा कलर चेंज चाहो तो आप लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन दिखा सकते हो जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हैं आप अपने हिसाब से रिएक्शन बता सकते हो बस आपको रिएक्शन सही लिखनी है ये इजी सा क्वेश्चन है उसके बाद यहां पर कंडीशन दे दी बोला इन कंडीशन पे इक्वेशन लिखो और बैलेंस करो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो एस टू एस गैस प्लस यहां पर एयर यानी कि ऑक्सीजन ओ टू गैस और प्रोडक्ट क्या बन रहा है वॉटर एच टू और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर ये, कर दें अगर, और, uh, three, two, two, ये लिखनी है नेक्स्ट वाली सेकेंड वाली इक्वेशन तो डायरेक्ट बुक से आई है फोटोलाइटिकमिकल फोटो डिकम्पोजिशन चैप्टर वन से सिल्वर ब्रोमाइड टू ए जी बी आर सनलाइट में रखोगे आप जब सिल्वर ब्रोमाइड को तो आपको यहाँ पर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन तो दिखेगा व्हाइट कलर का सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर कलर में सिल्वर एजी में और रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे ब्रोमीन गैस के तो ये इक्वेशन हो जाएगी ओके फाइन अगर वर्ड्स को समझ ले तो इक्वेशन बना इजी है करना इतना मुश्किल ये नहीं कंपेयर टू द अपर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो मुझे क्वेश्चन नजर आ रहा है बायोलॉजी का इसलिए मैं यहाँ खड़ी हुई uh, क्वेश्चन है बिल्कुल तो ये भी बहुत इजी है अगर हम ब्लड वेसल की बात करें विच ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनी सो बेसिकली आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तो यहाँ पे और क्योंकि किडनी है तो वी आर टॉकिंग अबाउट रीनल आर्टरी तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड वाई इज़ नेफ्रॉन कॉल्ड द बेसिक यूनिट बिकॉज किडनी इज़ द मेन बेसिक फिल्ट्रेशन ऑर्गन यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है दर इज अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्ट वॉट एवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाई द बॉडी इट इज़ डन इन द किडनी और किडनी में ये काम कौन करता है फिल्ट्रेशन का इट इज़ नेफ्रॉन ओ यस आई नो फोर्थ मार्च को फिजिक्स है ट्वेल्थ का सो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट राजवर्धन ठीक है और यहां पे आते हैं राइट द रोल ऑफ ट्यूबुलर पार्ट तो आफ्टर फिल्ट्रेशन मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि ग्लूकोज या अमीनो एसिड या इंपॉर्टेंट सॉल्ट या वाटर है वो यहां पे फिल्ट्रेशन में आ जाता है तो रिमेनिंग पार्ट या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज पी सी टी एंड डी सी टी एंड लूपोफिले एंड कलेक्टिंग डाक दे हेल्प इन सेलेक्टिवली रीअबॉर्बशन ऑफ दीज यूजफुल सब्सटेंसेज तो वो पोर्शन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो अगर आपने नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन ऑलवेज ईजिली राइट डाउन आंसर को लगता ओ, ये आया? तो वन और टू में नहीं है वहां पर सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में नहीं है और इस, इस सेट में था, तो मुझे लगा आई शुड गो विद सेट और यहां पर सीधा सिंपल क्वेश्चन है पेरेंट लिखा है राउंड एंड येलो ठीक है हम होमोसाइटिस कंडीशन पे ही जा रहे हैं विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन अगर यहाँ पे इनका क्रॉस होता है तो एफ वन में क्या आएगा तो हमारा रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कि एवरी वन विल बी ऑल द सीड्स विल बी राउंड एंड द कलर विल बी येलो ये तो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन था अब एफ वन का हो गया ऑन सेल्फ पॉलिनेशन तो यहाँ पे ये, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है अब ये दो पेरेंट का अगर क्रॉस किया जाता है ऑन सेल्फ पॉलिनेशन तो ये आपस में यहाँ पे पॉलिनेट होंगे तो एफ टू में एक बॉक्स है सिक्सटीन बॉक्स जो बुक में भी है तो वो हमें बनानी है हम ये दिखा सकते हैं यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो विथ नाइन तो यहाँ पे लिखा है रेशियो भी लिखना है कॉम्बिनेशन भी लिखना है तो कॉम्बिनेशन इज दिस राउंड विथ ग्रीन इज थ्री ठीक है यहाँ पे थ्री हो गया यहाँ पे रिंकल्ड विथ येलो इज थ्री एंड फाइनली द रेसिव कंडीशन इज रिंकल्ड एंड ग्रीन इट विल बी वन एंड दिस यू हैव टू शो बाय मेकिंग अ पुनेट स्क्वायर अगर आपको बुक का एक याद हो इस तरह से पुनेट स्क्वायर है तो अगर ये बना दे तो बहुत ही अच्छा इससे ये आइडिया हो जाएगा यहाँ पे आपको गैमिट्स ले लेने थे इस तरह के और अगर आप ये फिल करेंगे तो जो रेशियो मैंने साइड में यहाँ लिखा है आपको एज इट इज वो सारे यहाँ मिल जाएंगे ये वन यहाँ आ जाएगा ये पूरे राउंड एंड येलो हो जाएंगे यहाँ बीच बीच में आपको ऑल्टरनेटिव थ्री मिल जाएंगे तो ये रेशियो आप इजीली इस बॉक्स से दिखाएंगे तो आपको पूरे शॉर्ट शॉर्ट थ्री मार्क्स मिल मिले सोनू so no, आप अपना सेट जो है यू कैन सेंड दैट सेट टू अ टेलीग्राम ग्रुप शोर् विल ब्रिंग दैट फॉर यू एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली कॉमन ही है तो एक आध दो तीन क्वेश्चन जो है वो चेंज है ज्यादा चेंजेस नहीं आया हार्डली दो दो तीन तीन क्वेश्चन का ही है आ, ये मैंने पहले बोल दिया ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये हम अजमेर ये जोन अजमेर का कर कर जोन का है ठीक है जोन आर डिफरेंट जोन यस हर स्टेट का अपना एक जोन है तो पेपर सेटिंग भी उस हिसाब से डिफरेंट होती है तो अगर आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंट लग रहे हैं मतलब आपका थोड़ा अलग जोन है ओम्सलू का क्वेश्चन है तो जावेद सर को बुला लेते हैं फिजिक्स इज देयर यस सो दे हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर सो फटाफट से जावेद सर आ जाइए और सॉल्व कर दीजिएगा प्लीज ओके okay, सो so, uh, विशाला रानी एंड सोनू एंड विवेक आपको जो भी पेपर है आप पेपर अपना टेलीग्राम पे आप हमें शेयर कर दीजिए डेफिनेटली हम उसको सॉल्यूशन भी लेकर आ जाएंगे डोंट वरी ओके हाँ बिल्कुल यस थर्टी वन वन एंड थ्री हमारे पास सेट थ्री है थर्टी वन टू एंड थ्री यही है थर्टी वन टू एंड थ्री राइट तो अजमेर जो उनका है एज द चेताली मैम टोल्ड यू अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है यहाँ पर थ्री रेजिस्टेंस आपको गेवन है अगर आप की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और इस तरीके से सभी रजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगा राइट क्योंकि जितना करंट बैटरी से विड्रो होगा उतना ही करंट वापस से बैटरी के पास भी पहुंचना है

तो सबसे पहला आप, आप सबसे पहले आपको इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वही आपको फाइंड आउट करना होगा तो बैटरी से कितना करंट विड्रॉ हो रहा है कितना फ्लो हो रहा है उसे आप करें कैसे कैलकुलेट करेंगे सभी रजिस्टेंस सीरीज में हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें सो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो so, ये बनने वाला हैन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन आप ले लीजिए थ्री प्लस वन प्लस एन टू राइट टू प्लस थ्री प्लस वन इसके बाद इक्वलन निकालने पर आने वाला है ये सिक्स ओम तो सर्किट का जो इक्वलन रजिस्टर है अब आप करंट निकाल लीजिए तो जो सर्किट का में जो करंट विद्रो हो रहा है फ्रॉम द बैटरी आईकोस टू वी अपॉन आर से निकल कर आएगा वी इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी टू वोल्ट गिवन है तो टू अपॉन सिक्स यानी कि वन बाई थ्री एमपियर करंट बैटरी से विड्रो हो रहा है इसी वैल्यू को आपको इस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज में लेना होगा तो आई कितना है है और आर कितना है इज द द ऑफ रजिस्टर तो यहां पर यह आने वाला है वोल्ट वोल्ट राइट सो इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहां पे वोल्टेज अक्रॉस ओम कितना होगा वन वोल्ट होगा ओके करंट फ्लो नहीं क्यों करंट फ्लो क्यों नहीं होगा बेटा बैटरी तो ऑन है तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा ना करंट फ्लो क्यों नहीं होगा नीतू गुप्ता सर की क्लोज तो अर्था की क्लोज का मतलब ओ नहीं होता है क्या कर है यार चलिए ट्वेंटी फाइव पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर बोला गया है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट एंड यूजेस द लेंस ऑफ पावर माइनस वन डी देखो पावर यहां पर नेगेटिव गिवन है टू डिफेक्ट मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया नेगेटिव पावर मायोपिया में यूज करते हैं और पॉजिटिव पावर यानी कि लेंस इकोनोमिक्रोपिया में यूज करते हैं तो पहली बात तो डिफेक्ट का नाम आपको बताना है नेम द डिफेक्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डिफेक्ट कौन सा है यहाँ पर डिफेक्ट जो है डेट इज द मायोपिया तो यहां पर डिफेक्ट कौन सा होगा मायोपिया होगा एंड लिस्ट टू कोज अब इसके टू कोजेस क्या क्या है तो मायोपिया का अगर आपको रेड डायग्राम पता हो इसी रे डायग्राम के अंदर लाइट रेज से आती है फार पॉइंट से और वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना मीट होती है तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना क्यों मीट होगी या तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी और मे बी कि जो आई बॉल इंक्रीज हो जाए तो यहां पर टू रीजन आपको देने थे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस एंड सेकेंड वन आपको बताना था आईबॉल साइज इंक्रीजेस सो आर द टू रीजन दट इज कॉजेज मयोपिया और यहां पर आपको लिखना था स्टेट द नेचर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ऑफ द करेक्टिव लेंस अब आपको यहां पर देखिए लाइटेस ज्यादा कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जन को आपको कम करना है तो डाइवर्जिंग हम यूज करेंगे और वैसे भी नेगेटिव पावर है तो आपको वैसे ही पता लग गया होगा कि डाइवर्जिंग लेंस यूज करना है तो यहां पर करेक्ट क्या होगा डाइवर्जिंग आपको लेंस यानी कि कौन क्यों लेंस आपको यहां पर इस्तेमाल करना है ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने आ, विकारिया ने बिल्कुल सही बताया है मयोपिया है और कौन क्यों लेंस का यूज करेंगे बिल्कुल करेक्ट सर uh, अच्छा आपने से कोज नहीं लिखे हैं तो आई थिंक टू मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें फिर भी वन एंड हाफ के समथिंग मार्क्स मिल जाना चाहिए मुझे लग रहा है ऐसा राइट चलिए इसमें और भी एक भी क्वेश्चन था व्हाट इज प्रिस बायोपिया प्रिस्ट बायोपिया का मतलब है एक ऐसा पर्सन है उसको मायोपिया और हाइपोमिटोपिया दोनों ही डिफेक्ट एक साथ हो है ना मतलब कि दोनों ही उसको पास का भी नहीं दिखाई दे रहा और दूर का भी उसको कंप्लीटली विजिबल नहीं हो पा रहा है, so, ये जो है ये लास्ट ईयर भी बोर्ड के पेपर सोल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए तो बिल्कुल एकदम बहुत ही सिंपल रहा होगा नेम द टाइप टाइप कौन सा लेंस लेंगे हम यहां पर यहाँ पर हम बाई फोकल लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे लेंस का नाम है बाईफ लेंसेस ओके एंड स्टेट द नेचर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ अपर पार्ट ऑफ सच लेंस अब यहाँ पर जो स्पेक्स यूज करते हैं इन स्पेक्स के अंदर अपर पार्ट के लिए पूछा गया है तो अपर पार्ट के अंदर हम यूज करेंगे यहां पर कॉनकेव और बॉटम पार्ट जो होता है यहां पर हम यूज करते हैं कॉनवेक्स ठीक है कॉनवेक्स यहां पर यूज करेंगे फोर द नियर साइटनेस और यहां पर हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस राइट right? तो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ कि ऑफ द अपर पार्ट तो अपर पार्ट के लिए आपको लिख देना था कौन क्यों इज इट क्लियर गाइस ओके चलिए नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छा बायोलॉजिकल प्रोसेस से कुछ टूट नहीं पा रहा है ना गिव टू वेज बाय विस दे वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आई थिंक मुझे लग रहा है सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं उस यूनिट से जरूर है बट हाँ है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो देखा जाए डिलीट हो, हो चुका है तो उस यूनिट में एक और मेरा चैप्टर भी डिलीट हो चुका है जो एक चैप्टर बच गया आर एनवायरमेंट ये उसका क्वेश्चन है वो तो इम्पोर्टेंट भी yes, भिल्कुल भिल्कुल है मैम यस नॉन बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल वही आंसर है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि कोई भी एंजाइम उसको या कोई भी माइक्रोब्स उसको यहाँ पे डिकम्पोज नहीं कर सकता तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द इको क्योंकि कोई डिग्रेड कर नहीं सकता उसको माइक्रोब्स डू नॉट हैव सच एंजाइम्स टू डाइजेस्टेड या ब्रेक डाउन तो फिर यहाँ पे वो अक्यूमुलेट होगा दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम और दूसरा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा है द पेस्टिसाइड लाइक फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एट द हायर ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हम एक यहाँ पॉइंट पे लिख सकते हैं क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल का पूछा गया तो क्वेश्चन में बच्चा कितना तो दो पूछा मैंने दो आंसर दो दो लिख और क्या है चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो नंबर है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर आंसर देना होता है वेटेज yes. देखिए और भी अकोर्डिंग सोडियम सोडियम को मतलब yeah. बोला था <laughs> तो यहाँ पे मैम को सोडियम हो कैल्शियम हो कार्बन हो जैसे ये आ जाए हमें नाजो आम को बुला लेना चाहिए तो so, यहाँ पे सोडियम मेटल की बात की दैट इज इजोर्ड अंडर केरोसिन एंड वाई ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है हर जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इन एयर विद द ऑक्सीजन इट कंबाइंस एंड मेक इट्स ऑक्साइड एंड यू नो अंडर अ विग्रेस रिएक्शन तो आप उसको नहीं छोड़ सकती ओपन बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव यही आपको इसमें लिखना था दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट इसका सब मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वॉटर वॉट आर द एक्स सोल्यूशन ऑफ दीज ऑक्साइड कॉल कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल होती है जैसे सोडियम ऑक्साइड पोटासियम ऑक्साइड तो दीज आर कॉल्ड एल्कलीज वॉटर सोल्यूबल बेसिस मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर फाइन फाइनस उनको एल्कलीज कहते हैं और ऐसा एक एग्जाम्पल देना था तो जैसे मैं सोडियम का यहां एग्जाम्पल ले लेती हूं एन ए टू ओ प्लस एच टू ओ So this is 2 NaOH. ठीक है ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर एन ए टू ओ सोडियम ऑक्साइड इज डिजोल्ड इन वॉटर इट फॉर्म्स एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा ये वेरी गुड पर होगा नेक्स्ट जो सी आपका क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपकी बुक की लाइन है तो बुक में एनसीआरटी में लाइन है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच इज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एटसेट्रा इज कवर्ड विद थिन लेयर ये आपके चैप्टर थ्री के अंदर एनोडाइजिंग uh, वाले बॉक्स से जस्ट ऊपर है ठीक है तो एक तीन लेयर यहां आ जाती है इन मेटल्स के सरफेस पर कॉम्पोजिशन क्या है उस लेयर का वो ऑक्साइड लेयर होती है इंपॉर्टेंस क्या है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन या कोरोजन से बचाती है सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट है यहां पर इट इज ऑब्जो दैट कैल्सियम ऑन रिएक्शन विद वॉटर फ्लोट्स ऑन इट सर्फेस एक्सप्लेन वाई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्स तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो एकदम से क्वेश्चन में को पूरा पढ़ के कंफ्यूज नहीं हुई है पहले ब्रेक कीजिए तो पहली बात क्या पूछिए वाई एट फ्लोट्स राइट द केमिकल इक्वेशन वेन आप उस एक्व सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा तो पहली बात वाई एट फ्लोट्स पहले तो रिएक्शन लिखो तो कैल्सियम जो है ठीक है कैल्सियम वेन इट रिएक्ट विद वॉटर इट फॉर्म्स कैल्सियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस सो दिस हाइड्रोजन गैस इट्स बबल्स इसके जो बबल्स हैं वो कैल्शियम के मेटल पर स्टिक हो जाते हैं इसीलिए क्या होता है कैल्सियम फ्लोट करने लग जाता है वॉटर पे तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए आपने यहां पर रिएक्शन जो है वो लिख दी इसको बैलेंस करना है यहां टू लगा दीजिए ये फोर हाइड्रोजन हो गए टू ऑक्सीजन हो गए फाइन नेक्स्ट अगर आप इसके जो प्रोडक्ट बना है उसके एक्वा सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ तो कैल्सियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वॉटर से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हो तो इट द लाइम वॉटर मिल्की तो क्या होगा मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एंड वाटर सो दिस गिव्स मिल्कीनेस फाइन तो आपको ये दो रिएक्शन लिखकर इस तरीके से एक्सप्लेन करना था वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर इट इज़ अ बायोलॉजी क्वेश्चन लेट्स कॉल ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तीनों सेट में एक सेट में आया है सब में नहीं आया बट ठीक है कोई ना कोई जो हम एंटिसिपेट करते हैं आई जाता है किसी ना एक किसी एक सेट पे तो यहाँ पे फीमेल का पूछा गया है तो सीधा हम आंसर लिख सकते हैं ओरल पिल्स एंड लूप और टी ठीक है और उनके एक एक लाइन लिखने हैं ओरल पिल्स क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस uh, कर देता है चेंज कर देता है बिकॉज ऑफ विच ओव्यूलेशन या रिलीज ऑफ ओवम डज नॉट टेक प्लेस विच डज नॉट अलाउ द फर्टिलाइजेशन टू अकर और अगर हम कॉपर टीके पे बात करें इट इज़ प्लेस इन द यूट्रस विच अगेन डू नॉट अलाउ द स्पर्म टू रीच टू द ओवम या उनको यहाँ पे फर्टिलिटी उसकी कम कर देते हैं सो दैट नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस टेस्टिस के यहाँ पे दो फंक्शंस पूछे गए हैं तो पहला फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज अ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये तो आएगा ही आएगा लेकिन बच्चे दूसरा इसका फंक्शन भूल जाते हैं जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन विच इज नोन एज टेस्टोसरोंग तो ये दो काम है टेस्टिस के बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें तो आराम से फुल मार्क्स यस ये आपने आई थिंक लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा यस क्लास में लिख दिया यहाँ बच्चों ने आंसर लिख दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी बायो का ही है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत भर के आया है लेकिन जब आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे तो आपके आंसर दो तीन लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत इजी है अगर हम पहली बात करें एलविलाई इन लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज व्हेन यू टेक इन द एयर द एयर एंटर्स इन द लंग्स इन द एलविलाई और वहां पर उस एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ये जो ब्लड कैपिलरीज है इट हैज़ ब्लड वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एंड ऑक्सीजन इज लेस तो बेसिकली एलविलाई इज सराउंडेड बाई द कैपिलरीज सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस ऑक्सीजन इन एलविलाई कैन एंटर इन टू द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड द कार्बन डाइऑक्साइड कैन कम इन टू द एलविलाई तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन या प्रेजेंट इन द आरबीसी मैम को भी पता है देखिए एंड हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन वेन वी कंपेयर इट विद द कार्बन डाइऑक्साइड तो एफिनिटी ऑक्सीजन में ज़्यादा है तो इसलिए वो ऑक्सीजन को ले लेती है ड्यूरिंग एनोरोबिक देखिए कंडीशन बता दी और ह्यूमन बींग्स बता दिए तो हमारे अंदर एनोरोबिक कंडीशन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो जो ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ था साइटोप्लाजम में बिकॉज ऑफ द एब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाती एंड पायरोवेट इन द एब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इंटू यहाँ पे सी ओ टू सिंगल कार्बन है यहाँ पे थ्री कार्बन बोला है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्टिक एसिड ठीक है तो यहाँ पे हम लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं सो लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड तो यहाँ जो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है इन द एबजेंस ऑफ ऑक्सीजन हियर दे आर टॉकिंग अबाउट लैक्टिक एसिड तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए विच लीड्स टू द मसल क्रैम्प्स दैट इज टेकिंग प्लेस तो वो यहाँ पे अगर और की बात करें तो यहाँ मुझे आंसर दिख रहा है बिल्कुल सही मैं उसी पे आ रही हूँ पैरल मूवमेंट बिल्कुल सही एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड फॉरवर्ड यस फॉरवर्डर्स के साथ साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे उसमें जाता है जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और फूड आगे पुश होता है तो so, बिल्कुल सही और वेयर इज द बाइल जूस स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी तो यहाँ यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर

एंड द सेकेंड इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो बड़े बड़े फैट मोलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ताकि एंजाइम्स उस पर काम कर सके यूरोपोड एनजाइम्स एच सी एल म्यूकस विल देखो यहाँ थोड़े चांसेस कम है बिकॉज एच सी एल म्यूकस एनजाइम आप स्टमक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है बाइल जूस पर है तो यहाँ पेरलस्टार्टिक पे मार्क्स मिल सकते हैं इस पर नहीं ठीक है यू हैव रिटन आई रोट द फर्स्ट पार्ट बट देन आई हैव डिस्कस्ड बोथ ओके देन इफ यू हैव कट देन इट्स वेल एंड गुड लेकिन देख लेते हैं एक्चुअली टीचर क्या करता है जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं अगर आप नहीं काटते तो वो ये होता कि टीचर का वैसे तो बोर्ड का रूल है कि पहला जो अटेम्प्ट किया जाए उसको माना जाए लेकिन अगर आप नहीं काटते और दोनों आंसर छोड़ते तो टीचर कई बार थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है कि किस में आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हम वो ले लेते हैं और हम दूसरे वाले को एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड करके छोड़ देते वो आपका लक है अगर टीचर वैसे जज कर लेकिन मोर एंड लेस हमारे जैसे होते हैं जो लीनियंटली कर लेते हैं चेक हाँ प्रोटीन टू एसिड पर यहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया ठीक है अब आता है क्वेश्चन मुझे तो डिफाइन मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है जावेद सर को मैं बुला थी मैं यस देख रही हूं अगर बायो का क्वेश्चन देखे ना है तो इजी सब बच्चे बोलते हैं इजी है लेकिन कोई भी डायरेक्ट नहीं है सब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए अगर आप देखें तो आंसर हमें सब आता है लेकिन सब इनडायरेक्ट है लेकिन अगर मैं बाकी देखूँ अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है बिल्कुल ये भी एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही है मैम और चैप्टर इसका ह्यूमन आई एंड कलरफुल से चैप्टर है ये टॉपिक है तो ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई हालांकि ये जो टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन इसको बच्चा एट क्लास में भी स्टडी करता yes. है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन वहीं से आया है पावर ऑफ ऑकोबिटेशन यानी कि हमारी आई की स्पेशल पावर ये किसी पावर है इसी पावर की हेल्प से हम नियर साइड पे रखे हुए ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार साइड पे जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है हम उन्हें दोनों को एक साथ देख पाते हैं और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो मसल्स है एक इंपॉर्टेंट मसल्स है जो यहाँ पर ये यह रोल प्ले करती है टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और उस मसल्स का नाम क्या है मैम मसल्स मसल्स राइट यस बिल्कुल तो सिलेरी मसल है तो यहां पर पूछा गया है डिफाइन द द टर्म ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि आई की वो पावर बाय हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन सी द नियर साइड ऑब्जेक्ट एज वेल एज द फार साइड ऑब्जेक्ट ओके एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन राइट तो आपको बताना था कि वो कौन सा पार्ट है आई का तो आई के अंदर सिलेरी मसल्स है जो क्या करती है लेंस लेंस को को हां पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेंस को ओके लेंस को प्रेस करती है और लेंस को रिलैक्स भी करती है जब लेंस को प्रेस किया जाता है तो लेंस की पावर बढ़ जाएगी डेट so आप नियर साइड पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप देख पाए और जब हम इसको रिलीज करेंगे यानी कि लेंस को मस्िलरी बस, मसल जब लेंस को रिलैक्स करती है तो पावर वापस से डिक्रीज हो जाती है सोडेट so फार साइड पर रखे हुए ऑब्जेक्ट भी आपको ईजिली विजिबल हो सके एक मिनट सर ये अनंत प्लीज अनंत बेटा यहाँ पर अगर आप इसे स्पेम करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा है ना हमने आपका मैसेज पढ़ लिया है थर्टी वन फोर वन का अगर हम डिस्क, अगर आप डिस्कस करवाना चाहते हो तो एक काम आप कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप वहाँ जाइए और आपका पेपर हमारे साथ शेयर कर दीजिए डेफिनेटली मैं कल ही सेशन लेकर आ जाऊंगा इसके लिए ठीक है पर आप ऐसा मत करें बेटा बार बार यहाँ पर टाइप ना करें अदरवाइज जो पैकेंट टीम है वो आपको ब्लॉक कर देगी फिर आप कुछ भी नहीं पूछ पाओगे आर यू गेटिंग माय पॉइंट या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका लगता है आप आप चैट हात अच्छा, में डाल दीजिए हम अभी हाथों हाथ आपको आंसर्स दे दें। अच्छा इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन ह्यूमन आई फोकसेस नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अब देखिए वापस वही वाली बात अगर आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करोगे यानी कि नियर पॉइंट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो तो आई की लेंस को अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा तो यहां पर आपको बोलना था सिलेरी मसल्स विल प्रेसेस द कॉन्वेक्स लेंस सिलेरी मसल्स क्या करेगी आई लेंस को प्रेस करेगी सो डेट उसकी जो लेंस है उसकी पावर इंक्रीज हो सके राइट और नंबर टू लिखा हुआ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा जो सिलेरी मसल से वो लेंस को वापस रिलैक्स कर देगी रिलीज कर देगी सो सोडेट जो लेंस है उसकी पावर फिर से डिक्रीज हो सके और आप फार साइड पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख पाए राइट right? इसमें और भी एक क्वेश्चन है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई ऑन दिस डायग्राम मार्क ए वेयर डिस्पर्जन ऑफ लाइट मार्क बी वेयर द इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सी वेयर द रिफ्लेक्शन अकर टू द रेनबो फॉर्मेशन राइट को हम डिस्कस कर लेते हैं इन सबको एक्सप्लेन करता आपको सबसे हम देखते हैं रेनबो कैसे तो रेनबो को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले लाइट सोर्स होना चाहिए लाइट सोर्स कौन होगा यहां पर ऑब्वियसली सन होगा सन से लाइट रोर्स लाइट रेस कहां जाएगी वॉटर ड्रॉपलेट में एंट्री करेगी जैसे ही लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एयर टू वॉटर एंटर करती है लाइट रेज का यहाँ पर डिस्पर्जन होगा यानी कि जो लाइट रेज है वो अपने सेवन कलर में स्प्लिट हो जाएगी सेवन कलर में ब्रेक डाउन होगी और फिर यहाँ पर लाइट रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट रेज वापस से बाउंस बेक करती है वापस से उसी साइड वाली सरफेस पर पहुंच जाती है आफ्टर डेट लाइटरेज का फिर से रिफ्लेक्शन होगा और लाइट लाइटरेज ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है यहां कहीं पर ऑब्जर्वर है जो इस रेनबो को देख रहा है राइट तो यहां पे इस तरीके से आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते थे साथ ही में आपको यह भी बोला गया है कि जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है डिस्पर्जन हो रहा है इफेक्ट के बारे में तो आया ही नहीं एग्जाम के अंदर हो सकता है आपके पेपर में आया होगा जेन ब्रदर लेकिन आप बेटा यहां पर इस पर हम ना करें राइट right? अगर आपका डाउट है, है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आकर या फिर आप चैट बॉक्स भी लिख दें मैं बता दूंगा आपको इंडा लिफेट क्या होता है पर आप इस तरीके से इस पे हम ना करें बेटा है ना आपको यहां पर लिखना था ए क्योंकि ए का मतलब है जहां पर डिस्पर्जन हो रहा है डिस्पर्जन यहां से स्टार्ट होगा जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर बी तो यहां पर आपको बी लिखना है और जहां पे फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर सी लिखना तो यहां पर आपको सी लिखना था राइट right ही सारी बातें हो गई आफ्टर डेट बोला गया है क्वेश्चन के अंदर और क्या पूछा गया है देखते हैं एबीसी आपने लिख दिया वेयर द वेफ्रेक्शन लाइट अकर लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्जर्व द रेनबो रेनबो देखने के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है तो यह हम कई बार बताते हैं क्लास में रेनबो आपको हमेशा नहीं दिखाई देगा रेनबो कुछ स्पेशल कंडीशन में ही आपको दिखाई देगा और वो स्पेशल कंडीशन क्या है आप देखें यहां पर सबसे पहले तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे सामने रेनी सीजन होना चाहिए

रेनबो अकर डू टू द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन अकर फ्रॉम द वॉटर डॉपलेट प्रेजेंट इन एयर सो द रेनबो इज फॉर्म ओके इट शुड है रेन एंड द सन शुड बी प्रेजेंट अब कंडीशन क्या है कंडीशन फॉर द रेनबो फॉर्मेशन आर सन शुड बी बिहाइंड ऑब्जर्वर पहली कंडीशन तो ये है सन कहां पर होना चाहिए ऑब्जर्वर के पीछे की साइड होना चाहिए और रेनी सीजन कहां पर होना चाहिए? होना चाहिए रेनी होना चाहिए पर्सन के सामने राइट सो रेनिंग शुड बी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर लाइट शुड रिफ्रेक्ट क्ट एंड शुड रीज टू दब्जर्वर ये सारी कंडीशन आपको लिखकर आनी दी हालांकि टू कंडीशन पूछे गई है तो आप लिख देते बैक साइड पर सन होना चाहिए और फ्रंट साइड पर रेनी सीजन होना चाहिए नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेनबो तो फॉर्मेशन इस कैटेगरी दिन इफेक्ट ठीक है बेटा आराध्य गोयल ठीक है आराध्या ने आपका आसर, आंसर भी दे दिया है ना मतलब डिपेंडेंसी ऑफ द कलर ऑफ द लाइट आराध्य गोयल और कृतिका सिंह सर हाउ टू प्रीपेर अडवांस देखिए बेटा जेई एडवांस का हम सेशन का बार बार रख लेंगे अभी प्रेजेंटली हम जो टेंट बोर्ड का पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं अगर इससे रिलेटेड आपका डाउट हो तो आप प्लीज टाइप कीजिए चैटबॉक्स के अंदर राइट सर प्लीज टेल अबाउट क्वेश्चन आई हैव सेंट ओके में जो आपने क्वेश्चन भेजा है आराध्या गोयल डेफिनेटली मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ पहले एक बार हम पेपर को ओवर कर लें ओके चलिए

हो गई। draw the, draw, draw the magnetic field lines pattern. तो यहाँ यहाँ तो मान लीजिए पर पर है, है। आपको यहाँ से टिक को स्टार्ट करना है और इस तरीके से ये में close loop बनाएगी। ऐसी लगभग आपको पांच से सिक्स लाइन लेनी है फाइव टू सिक्स लाइन पर जब भी आप लाइन को ड्रो करें याद रखें लाइन कहीं टच ना हो जाए यहां पर मेरी टच हो रही है पर आपको नहीं करना था टच ठीक है मैंने डायग्राम बहुत ही रफली बनाया है पर याद देखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करती थी। है ठीक है 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 तो इस तरीके से आपको पैटर्न वहां पर बनाकर आना था यहां लिखा हुआ है कि अगर एक सॉफ्ट आयरन का पीस आपके पास है, इसको आपको मैग्नेटाइज करना है तो कैसे करना होगा तो क्या कीजिए इस सॉफ्ट आयरन के जो पीस है इस पीस को आप सोलो के अंदर रख दीजिए ओके और कुछ टाइम तक सोलोनोट से करंट को पास करा दीजिए सोलोनोट मैग्नेटाइज होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सॉफ्ट आयरन से पास होगी तो सॉफ्ट आयरन से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है तो कुछ रिटेंटिविटी होने की वजह से ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है ओके तो ये सिंपलेस्ट मेथड है किसी भी सॉफ्ट आयरन को आप मैग्नेटाइज कर सकते हो इज इट क्लियर हाँ बिल्कुल कोई लो कॉपर वायर ही होना चाहिए ओके और कॉपर वायर की ना भी हो आयरन की भी हो चाहे किसी भी मेटल की हो किसी भी कंडक्टर की हो सब काम करेगी इसीलिए हम बोलते हैं लॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है आप यहां भी देख भी सकते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल कोइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टन इज सोनाइट एंड थ्रू द इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक्ड अराउंड इट आपको ये डायग्राम बनाकर आना था ठीक है ये डायग्राम यहां पर शो भी किया गया है परफेक्टली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है यहां पर नॉर्थ पोल है ये जरूर मैंशन करें और यहां पर साउथ पोल है ओके गाइस चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड बायोलॉजी मुझे पता है कि आजकल सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं यही उसका रीजन हो सकता है ये बिल्कुल रीजन है, है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कॉन्सेप्ट आना चाहिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात हो रही है आर एनवायरमेंट चैप्टर से वापस से लिया गया है चैप्टर बहुत ईजी है ये फेनोमेन अगेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है यहाँ पे हमने अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था उसी को इलाबरेट करके पूछ लिया गया है तो यहाँ आपको फेनोमेन का नाम देना था और आपको बस समझाना था कि हियर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स वेन इट इज अप्लाइड ऑन प्लांट्स इट कैन रीच टू द वॉटर इट कैन रीच टू द दॉयल एंड थ्रू देम इट एंटर्स इन टू द प्लांट एंड देन अगर हम फूड चेन को स्टडी करें तो ह्यूमन बींग्स कम्स एट द हायर ट्रॉफिक लेवल और धीरे धीरे वो हम तक भी पहुंच जाता है एंड इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग एट द हायर ट्रॉफिक लेवल तो ये कॉन्सेप्ट येस yes. तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको यहाँ समझाना है यहाँ पे आपको एक मार्क तो मिल जाएंगे बायोलॉजिकल के लिए बाकी मार्क्स मिल जाएंगे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए तो बस आपको यही एक्सप्लेन करना था आगे चलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगेन ये बायो का ही है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स तो यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करें दोनों में हारमोन्स हैं प्लांट हारमोन्स भी है और एनिमल हॉर्मोन्स भी लेकिन दोनों में डिफरेंस है अगर आप देखें कि एनिमल हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली वो ग्लैंड से होते हैं और ऐसा कुछ प्लांट में नहीं होता प्लांट में जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो दूसरे पार्ट्स में डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं डिफ्यूज आउट होते हैं जबकि एनिमल हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूज़ होते हैं वो ब्लड में डाला जाता है एंड थ्रू द ब्लड इट इज़ सर्कुलेटेड टू दारगेट साइट या टारगेट ऑर्गन्स वेयर इट हैज़ टू डू द वर्क अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो वो अदर देन डूइंग ऑल काइंड ऑफ फंक्शनिंग इन ग्रोथ बट वो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं जैसे ऑक्सीजन जो फोटोट्रॉपिज्म या थिगमोट्रॉपिज्म में भी हेल्प करते हैं जबकि एनिमल के पास उनका अपना एक नर्वस कंट्रोल है जो मूवमेंट में हेल्प करता है या दे हैव गॉट मस्कुलर सिस्टम जो यहाँ मूवमेंट में हेल्प करते हैं लेकिन विच इज एबजेंट इन द केस ऑफ प्लांट तो वह प्लांट हार्मोन्स ही उसको थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करता है अदर देन दर अदर फंक्शंस लाइक सेल डिजन एंड

वॉमिटिंग की बात करें तो वॉमिटिंग सलाइवेशन स्नीजिंग ये सारा मेड्यूला का, का काम है हाइंड ब्रेन का पार्ट है ये तो यहाँ पे सेरिबेलम भी हाइंड ब्रेन का है कंट्रोलिंग हंगर इज अगेन अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड स्पेसिफिकली अगर आंसर देना है तो हाइपोथैलेमस ठीक है हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड तो ये ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई ये तो जनरल है आप देख भी सकते हैं दिस इज अ स्कल और टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो क्रेनियम और अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम इज प्रोटेक्टिंग इट दोनों के अंदर एक फ्लूड फ्लो हो रहा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी और थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भी अगर आपको आता है आपने पढ़ा हो लेयर्स नोन एज मैनिंज विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड

ठीक है इनहिबिट ग्रोथ यानी एप्सिक एसिड यहां पे हो गया प्रमोट सेल डिविजन हियर दे आर आस्किंग अबाउट साइटोकाइन सिंपल वन वन वर्ड आंसर है एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल यहां की बात हो रही है तो यहां पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि टेंड्रिल फॉर्मेशन यानी क्वालिंग क्यों हो रही है तो जब आपको अगर यहाँ पे पी प्लांट को अगर आप एक सपोर्ट देते जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं मनी प्लांट पी प्लांट हम कोई धागा बांध देते हैं या स्टिक लगा देते हैं तो प्लांट धीरे धीरे उसके चारों तरफ

आपका क्वेश्चन क्वेश्चन है ये फिजिक्स का लाइट चैप्टर से है जैसे ये ऑलरेडी बताते हैं कि लाइट हमेशा एक अच्छा वेटेज लेकर आता है लाइट चैप्टर तो वैसा ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिंपल भी है अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर ड्रो अ रेड डायग्राम टू शो हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ टू फ्रॉम द सच लेंसेज राइट तो आपको ये बताना है कि अगर आप किसी लेंस के अपर हाफ पार्ट को कवर कर देते हैं पहले हम कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लें यहाँ पर होगा ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा फोकस है यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टू एफ ही लिख देते हैं यहां पर टू एफ है ऐसे ही यहां पर भी फोकस होगा और यहां पर हमने ले लिया है टू एफ राइट फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि अपर पार्ट को आपने क्या कर दिया है कवर तो ठीक है लेंस के अपर पार्ट को हमने कवर कर दिया है याद रखिएगा कभी भी किसी भी लेंस को या मिरर को अगर हम कवर कर दें अपर पार्ट को या उसके थ्री बाय फोर्थ पार्ट को या कितने भी पार्ट को हम कवर कर दें थोड़ा भी पार्ट अगर रिमेनिंग होगा तो उस पार्ट से ही इमेज बनेगी और कंप्लीट इमेज बनेगी ये इंपॉर्टेंट है जितना भी पार्ट रिमेनिंग है उससे इमेज फॉर्म होगी कंप्लीट इमेज फॉर्म होगी ऐसा नहीं कि हाफ इमेज बनेगी ऐसा नहीं होता है कंप्लीट इमेज फॉर्म होगी क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को टू एफ पर रखना है तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है टू एफ पर अब इस एडाइग्राम ड्रो करना है तो जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा मुझे भी पता है कि आपने आपको पता है आप पढ़कर गए हो एग्जाम के अंदर यह बहुत सिंपल सा केस है अगर ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर ही फॉर्म होती है राइट तो आपको 2F पर 2F पर ऑब्जेक्ट रखना है है ही इमेज को कर देना रेड डायग्राम बनाना यहां पर इंपॉर्टेंट था तो रेड डायग्राम कैसे बनाएंगे यहां से लाइट लाइटरेस को पास नहीं करा सकते क्योंकि वो पार्ट जो है वो कवर है तो आप क्या कीजिए एक लाइट लाइटरेस को ऑप्टिकल तो सेंटर से पास कराइए इस तरीके से जो इमेज के एंड से पास हो जाए और सेकंड लाइट को आप फोकस से पास करा दें और फोकस से लाइट होती है तो हो जाएगी। इस तरीके से, इसका राइट? तो को, से, को आपको फोकस से पास कराकर पैरेलल कर दे रही थी तो यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी कंप्लीट इमेज फॉर्म हो रही है राइट अच्छा ये डिफरेंस क्या आएगा अगर हमने यहां पर हाफ पार्ट से कवर कर दिया नहीं करते तो क्या होता तो देखिए अगर हम इसके पार्ट को कवर नहीं करते तो ऐसे केस में ज्यादा लाइट रेज यहां पहुंचती अभी हाफ ही पहुंच रही है अगर ऊपर वाला पार्ट भी कवर नहीं होता तो ऐसे केस में और भी लाइट रेज आती वो भी यहां तक पहुंचती तो ज्यादा ब्राइट इमेज बनती इमेज की ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी होती ज्यादा हाई डेफिनेशन इमेज आपको फॉर्म होती राइट तो ऐसे केस में इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाती है सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है हालांकि इमेज कंप्लीट बनेगी ओके तो यहां पर ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना था रे डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया फिर पूछा गया है मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मड तो आपको पोजीशन बताना है पोजीशन क्या रहेगी अगर हम इज इमेज की बात करें तो इमेज की पोजीशन यहां पर है, पर है इमेज कहां पर है एट टू एफ ओके कैसी इमेज है रियल प्लस इन्वर्टेड है क्योंकि लाइट लाइटरेस खुद ब खुद मिल रही है तो रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज होगी और क्या रहेगी साथ में सेम साइज की इमेज है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज है यहां पर मैग्निफिकेशन आएगा right guys? तो ये इमेज की हो गई। बता दिया। ऑफ टेन इफ लेंस इज अनकवर्ड क्या होगा अगर लेंस अनकवर्ड होगा तो ऐसे केस में जो इमेज बनने वाली है वो भी टू एव पर ही बनेगी बट इट विल बी मोर ब्राइट देन द प्रीवियस केस ओके okay? इमेज जो फॉर्म होगी ज्यादा अच्छी ब्राइट होगी ज्यादा ब्राइटनेस रहेगी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी सर कौन सा सेट सेट मैंने बताया सेट थ्री है बोलना था कि अगर ज्यादा एरिया होगा ज्यादा लार्ज अपर्चर होगा तो ऐसे ज्यादा रेस पास होगी लेंस से और मोर ब्राइट इमेज आपको मिलेगी ऑन स्क्रीन अगेन अगेन क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर लेंस फॉर्मूले पर है और क्वेश्चन में लिखा भी है कि यूज लेंस फॉर्मुला मतलब सब कुछ लिखकर दे दिया अब तो बस आपको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है थर्टी सेंटीमीटर है ऑप्टिकल सेंटर अच्छा उसमें लिखा गया है कौन क्यों लेंस है और फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर कौन क्यों लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है थर्टी पर आपको इमेज की पोजिशन बतानी थी क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है माइनस थर्टी सेंटीमीटर

आपको यहां पर वन अपॉन बी के लिए सोल्व करना है, तो इसी को हम टर्म्स को ले लेते हैं वन अपॉन वी विल अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू वैल्यू पुट दे सिर्फ तो वन अपॉन एफ वो कितना है माइनस फिफ्टीन है प्लस वन अपॉन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस थर्टी सोल्व करने पर यह बनेगा माइनस टू अपॉन थर्टी माइनस वन अपॉन थर्टी राइट तो v यहां से निकलकर आने वाला है माइनस थर्टी अपॉन टू प्लस वन थ्री जो कि माइनस टेन सेंटीमीटर होगा तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर आ रहा है माइनस टेन सेंटीमीटर पर माइनस टेन सेंटीमीटर का मतलब है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज फॉर्म होगी यानी कि नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस पर ना डायरेक्शन में इमेज फॉर्म होने वाली है राइट तो यहां पर माइनस टेन सेंटीमीटर आंसर आएगा जिन भी बच्चे का आंसर माइनस टेन सेंटीमीटर आया है उनका करेक्ट है और जिनका नहीं आया है अगर आपने लेंस फॉर्मूला लिखा है तो उसके भी मार्क्स आपको मिले होंगे अगला क्वेश्चन है गिव रीजन वाई कार्बन कैन नाइड्राफॉम सी फोर प्लस नोर सी फोर आई थिंक है ना बिल्कुल सर सो so, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे है, जो टीचर आपको पढ़ाते सबसे पहले बताता है।, so, है तो शुरू में बताया जाता है कि कार्बन क्यों कोवोलन कंपाउंड बनाएगा क्यों उसके आय नहीं बनते वो क्यों आयनिक कंपाउंड नहीं बताता बनाता तो मैंने दो कंडीशन बताई हुई है सी फोर प्लस कैटा आयन इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ एनर्जी कार्बन जो है ठीक है आ, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिकेशन फोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द तो रिमूवल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी सो एन यहाँ पर क्या है एनर्जी कंसिडरेशन एनर्जी बहुत सारी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए अगर एक भी निकाल दिए तो बाकी के इतने शील्ड हो जाएंगे सेंटर से न्यूक्लियस से कि उनको निकालना नियर टू तो इम्पॉसिबल है नेक्स्ट ए सी फोर माइनस एनआईएन क्यों नहीं बनता बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी कंसिडरेशन मान लीजिए कि यहां पर <coughs> नॉर्मली कार्बन में यहा पर सिक्स प्रोटोन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर मान लीजिए फोर और आ जाए इलेक्ट्रॉन्स तो एक सिक्स प्रोटोन की न्यूक्लियस टेन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकती तो इज स्टेबिलिटी कंसिडरेशन नेक्स्ट आपसे सेकेंड पूछा गया है होमोलोगस सीरीज डायरेक्ट किसी को अगर नहीं भी याद है डेफिनेशन तो एमसीक्यू से उठा सकते हैं होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जहां पर तो जो मेंबर्स है कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स है सक्सेसिव मेंबर्स है उनमें सी यूनिट का डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूलर मास में 14 यू का डिफरेंस होता है डायरेक्ट तो डेफिनेशन पूछी है और दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स पूछे हैं एल्डिहाइड के भी बहुत इजी है सर एक मिनट पेन दीजिएगा yes मैं यहाँ बता देती हूँ तो यहां पर एल्डिहाइड सीरीज का पहला आप बता सकते हैं एचसीएचओ मीथेनल और दूसरा आप बता सकते हैं इथेनॉल दैट इज CH3CH ओके okay, ये हो जाएगा आपका इथेनल इसमें सी एस टू एड करके तो मीथेनल एंड इथेनल आर द टू कॉन्सिक्यूटिव एल्डिहाइड दूसरा डायरेक्टली एनसीआरटी का ही एक स्ट्रक्चर पूछ लिया साइक्लोहेगिन सी सिक्स एच ट्वेल्व बनाओ तो साइक्लो में मैंने बताया था हेक्स मतलब कि सिक्स कार्बन की, की यहां पर आपको रिंग बनानी है और क्योंकि ट्वेल्व हाइड्रोजन है तो कार्बन की वैलेंसी टू ऑलरेडी है टू और करने के लिए टू मोर हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड सो दिस विल बी सी सिक्स एच 12. 12. तो ये जो है स्ट्रक्चर हो साथ जाएगा साथ ना ये This is cyclohexane, क्योंकि आ, six है दिस इज क्योंकि सिक्स पर कार्बन फाइन इस तरीके से क्वेश्चन होगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं ठीक है ऑप्शन में ये डायरेक्टली पूछा गया है डायरेक्टली इथेनॉल की बात हुई है कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप ओ के साथ उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ तो इथेनॉल डायरेक्टली बोल दिया काफी आसान कर दिया बुक से डायरेक्टली पूछ ली गई मैंने तो बोला है कि आपको लर्न करनी है सारी क्वेश्चन बायो में भी यही है ठीक है इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच अब इसकी रिएक्शन बताकर सारे प्रोडक्ट्स बताना है सो so, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है डायरेक्टली पूछिए टू सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ठीक है इथेनॉल को आप सी एच थ्री सी एच टू ओ एच भी लिख सकते हैं तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा आपका जब सोडियम से रिएक्शन होगी तो ये एक एच हटाना था तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ए ठीक है इसको बैलेंस करने के लिए टू आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ये है सोडियम इथॉक्साइड एक ही जगह बनता है सोडियम इथक्साइड तो ये तो पहली रिएक्शन जो थी यहां पर इथेनॉल की दूसरी एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन प्रोसेस तो इथेनॉल है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इसमें एक्सेस में अगर यहां तो तो पर एच टू एसओ फोर होगा हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा इसमें से एस्ट्यू रिमूव हो जाएगा यानी कि इथीन का फॉर्मेशन होगा और वाटर जो है वो रिमूव हो गया दिस इज इथीन ठीक है डिहाइड्रेशन तीसरा एस्टेरिफिकेशन पूछा है यहाँ पर इथेनोइ एसिड के साथ एस्टेरिफिकेशन बताना है तो यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन फ्रूटी स्मेल यस ये इथेनोइक एसिड है इथेनॉल है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है एस्टेरिफिकेशन इसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ओ OH एच यहां से एच यहां से दोनों को ज्वाइन कर दो ईस्टर बना सी एच थ्री सी ओ ओओ ये मैंने तरीका बताया था तो या तो आप सी एच थ्री सी एच टू लिख दो या फिर सी टू एच फाइव लिख दो एक ही बात है ठीक है या तो आप ऐसे सी एच टू सी एच थ्री लिख दो ठीक है प्लस वाटर तो ये क्या है ईस्टर का यहां पर फॉर्मेशन हो गया आपको प्रोडक्ट्स के नाम लिखते जाना है लास्ट में बोला गया है लास्ट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछी गई है तो इथेनॉल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ये आपका जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है okay. इसकी प्रेजेंस में ये इथेनॉल इथेनोक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सो ये आपसे डायरेक्ट एनसीआरटी की इक्वेशंस पूछी गई है फुल मार्क्स मतलब फुल मार्क्स आने चाहिए यहां तो एकदम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं ओ oh, मेरा बायो यहाँ पे सीधा सीधा देख के हमें पहले तो ये देखते हैं मुझे खुशी हो जाती अच्छा है अच्छा प्लान एरिया है क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है केस बेस्ड है यहाँ पे इन्होंने ही दिया ये हम वैसे भी आजकल केस बेस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कंटेंट कुछ होता है लेकिन कुछ इनडायरेक्ट अलग से क्वेश्चन भी आते हैं प्लान एरिया को दिखाया गया है अब ये वाली चीज़ आपने पढ़ ली कि यहाँ पे ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम दिए गए फिशन बर्डिंग फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन रीजन, परफॉर्मेशन रीजन, 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 सारा आ जाएगा यहाँ पे और एक प्लेनेरिया को दिया गया अब इसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पर है अगर हम दोनों को देखें कि विच पार्ट कट पीसेज ऑफ टू प्लानरिया वुड रीजनरेट तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है क्योंकि हाँ बायो का प्रैक्टिकल नहीं बुक में भी था ये तो अगर हम प्लान एरिया का डायग्राम देखें तो बुक में अगर हम देखें पहले वाले में हम पहले वाले डायग्राम में चलते हैं तो अगर बच्चा बोले तो बोलेगा बच्चा कि ये वाला आंसर है क्योंकि बुक में तो ये डायग्राम दिया है एंड ईच लॉस पार्ट इज रीजनरेटेड बाई द प्लान एरिया पर कहीं कोई ऐसा लिखा नहीं है कि द कटिंग शुड बी हॉरिजल इट कैन बी वर्टिकल ऑल्सो तो जनरेशन इज सिंपली द री ऑफ लॉस पार्ट इट कैन बी वर्टिकल ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग थर्टी वन ऑब्लिक टू ऑब्लिक थ्री थर्ड सेट ऑफ सेकेंड जोन साइंस पेपर वी आर डिस्कसिंग डिस्कसिंगयर ठीक है तो यहाँ पे अगर हम वापसी क्वेश्चन पे जाते हैं ऑल द पार्ट्स विल बी रीजनरेटिंग तो वो तो हमारा फर्स्ट हो गया विल बी फॉर्मिंग द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म गिव अन अनादर एग्जांपल तो यहाँ आप हाइड्रा का एग्जांपल लिख सकते हैं अदर देन प्लेनेरिया हाइड्रा को भी अगर आप कट करेंगे तो उसकी ईच पेस पीस कैन रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट वॉट इज डेवलपमेंट जब रीजनरेशन होता है स्पेशलाइज सेल में तो इट्स फॉर्मिंग न्यू सेल्स देन न्यू सेल्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इन टू डिफरेंट टिश्यूज तो ये जो सीक्वेंशियल चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज डेवलपमेंट या तो आप ये अटेम्प्ट कर ले नहीं तो आप ये और भी ईजी पड़ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन री जनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन तो फ्रैगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द इंडिविजुअल ब्रेक्स इन टू स्मॉल स्मॉल फ्रीगमेंट्स ऑन इट्स ओन जबकि रीजनरेशन इज नॉट एक्चुअली अ डायरेक्ट क्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज एन एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म इट्स लॉस पार्ट जरूरी नहीं है यहाँ एक लीजर की टेल कट गई तो टेल ग्रो हो यहाँ पूरा इंडिविजुअल ग्रो नहीं हो रहा नॉट नेसेसरी लेकिन फ्रेगमेंटेशन में हर एक पीस कैन डेवलप इंटू अ न्यू इंडिविजुअल जो हम स्पायरोगरा को लेकर पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स आप ले लीजिए टू मार्क्स का है दो पॉइंट्स काफी हैं दोनों में से एक ही करना है हाँ और फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर प्लांट्स में देखा जाता है रीजनरेशन ज्यादातर हम एनिमल्स में देखते हैं तो ऐसे और पॉइंट्स आप डाल सकते हैं आई थिंक नेक्स्ट पर आ जाते हैं या ये है फिजिक्स का क्वेश्चन तो सर को बुला लेते हैं इलेक्ट्रिकसिटी से रिलेटेड आई थिंक यस मैम इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और केस बिज स्टडी क्वेश्चन है

तो कोई हीटिंग हाँ एलिमेंट है और हीट होने के लिए उसके बाद तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो हाई मेल्टिंग पॉइंट ताकि वो इजीली ऑक्सीडाइज ना हो जल ना जाए और नंबर टू हाई रेजिस्टिविटी क्योंकि जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होगी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का और उतना ही ज्यादा हीट वहां पर जनरेट होगा तो हाई हाई रेजिस्टिविटी होना होना चाहिए और हाँ मेल्टिंग होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट अब प्रॉपर्टीज पूछी गई है इलेक्ट्रिक फ्यूज की वापस वही टू प्रॉपर्टीज अब इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम इसलिए डिजाइन करते हैं कि ज्यादा करंट आए तो वो ब्लो हो जाए मेल्ट हो जाए राइट तो इफेक्ट और प्रिंसिपल तो यहां पर भी वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट यहां पर हमें जो मेटल चाहिए ना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होना चाहिए हाई होगा तो सब जल जाएगा फ्यूज बचा रहेगा बस हाँ। वो हम चाहते नहीं है, राइट हाँ। हम चाहते हा ओके चलिए तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर फ्यूज सबसे पहले ब्लो हो यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए पर रेजिस्टिविटी तो भी हाई होना चाहिए सो so, डेट ज्यादा हीट जनरेट हो सके इमरजेंसी केस में और वो अपने आप को मेल्ट कराकर सर्किट को ब्रेक कर सके राइट right? तो यहां पर भी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी तो यहां पर सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी तो सेम है हाई हाई मेल्टिंग रजिस्टिविटी होना चाहिए पर इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए लो लो मेल्टिंग पॉइंट ठीक है इसके बाद नेम द प्रिंसिपल और द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क तो इलेक्ट्रिक फ्यूज और हीटिंग uh, एलिमेंट दोनों ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं तो प्रिंसिपल क्या है पर लॉ ऑफ हीटिंग ये आपको लिख आना था लिख कर आना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर ये वर्क करते हैं सर इसमें हीटिंग एलिमेंट में ऐसा नहीं लिख सकते थे डेट प्रोड्यूस गुड डेट्सूस हाँ ऐसा लिख सकते थे पर उनकी प्रॉपर्टी पूछी है ना आप हाँ. हीट तो वो प्रोड्यूस कर ही रहा है आपको भी है, पता है मुझे पता सबको पता है पर वो हम हाँ, क्यों कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है ना तो उसका रजिस्टिविटी हाई है डेट्स वाई इट कैन प्रोड्यूस द हाई हीट अच्छा इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन हाउ अ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हाई करंट तो देखिए मान लीजिए एक्सीडेंटली हाई करंट आता है तो फ्यूज वायर जैसे कि प्रॉपर्टी क्या fuse wire की high है फ्यूज वायर की हाई रजिस्टिविटी है बट लो मेल्टिंग पॉइंट है हाई रजिस्टिविटी होगी तो करंट वहां पर आएगा तो वो बहुत ज्यादा हीटअप होगा और एक पर्टिकुलर लिमिट तक करंट आता तब तक तो वो 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 उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको ऐसे डिजाइन करेंगे कि पर्टिकुलर करंट तक तो वो मेल्ट ना हो बट पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा करंट आ जाए तो वो मेल्ट कर जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से राइट तो ये सारी वर्किंग आपको वहां पर लिखकर आनी थी कि व्हेन द हाई अमाउंट ऑफ करंट पासिस इफेक्ट इट गेट मेल्टेड ओके ये आपको वहां लिखना था नंबर टू है पावर ओपर इलेक्ट्रिक हीटर इज वन वन डबल जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ दर इज टू ट्वेंटी है पावर तरह का, है, का है, निकालना है, तो होता है पावर का पावर इक्वस्ट टू वी वी आई बिल्कुल सही कहा तो अप्लाई करना है और करंट के लिए सोल्व करना तो राइट पावर गिवन है टू 220 तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर फाइव एमपियर करंट तो ये करंट तो पास हो रहा है राइट फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट निकाल वॉट विल है इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग फाइव एम्पियर कनेक्टेड इन दिस सर्किट तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइवियर फाइव एमपियर रेटिंग का फ्यूज आपने यहाँ पर यूज किया है तो 5 एमपियर रेटिंग का फ्यूज का मतलब है कि ये जो फ्यूज है ना अप टू द फाइव एमपियर करंट इजीली पास करेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हीट अप तो होगा ये हीट तो होगा पर मेल्ट नहीं होगा बट अगर करंट फाइव से ज्यादा आ जाए तो ऐसे केस में ये इतना ज्यादा हीट अप होगा कि ये ही हो, हो जाएगा राइट तो फाइव एमपियर तक करंट को ये पास करा सकता है डेट्स मीन जो सर्किट है ये सस्टेन करेगा और जो फ्यूज वायर है वो ब्लो नहीं होगा वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा राइट ठीक है आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था सर हमारा मनकिरत सिंह ठीक है बेटा है ना थैंक यू माय डियर ब्रदर मेरे इसके की <laughs> चलिए तो ये मैंने लिखा पर हाई मेल्टिंग पॉइंट तो इजीली हाई रेजिस्टिविटी साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई स्पेशल रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट ऊपर वर्क करता जूस लॉ ऑफ पर और साथ में यहां पर मैंने उसकी वर्किंग के बारे में लिखा हुआ है राइट चले ओके आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अभी और है और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री बचा हुआ है भाई स्टार्ट भी केमिस्ट्री से एंड भी एंड भी केमिस्ट्री से हुआ है सर ओके okay, सो so, सो so, यहाँ पर सॉल्ट के बारे में बात की गई है ठीक है सॉल्ट के बारे में सोडियम जैसे सॉल्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ सोडियम क्लोराइड विच इज नॉन एज कॉमन सॉल्ट इज यूज ऑलमोस्ट इन एवरी किचन बेकिंग सोडा इज सॉल्ट यूज इन फास्टर कुकिंग एज वेल एज इन बेकिंग इंडस्ट्री द फैमिली ऑफ सॉल्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सॉल्टिफाइड ठीक है अब यहाँ पूछा है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है तो कुछ नहीं करना होता एनए का फॉर्मूला लिखो एन कैटाएनिक पार्ट ओ एच तो बेस हो जाएगा एन ए एच सी एल के आगे एच लगा दो एनआएनिक पार्ट के आगे एच सी एल एसिड इसका पेरेंट बेस पेरेंट एसिड फिर पूछा है कैटाइन एन बताओ कैल्सियम सल्फेट में तो सी ए एस फोर होता है तो सी ए टू प्लस वैलेंसी प्लस टू है एसओ फोर टू माइनस तो ये दोनों आयन होंगे कैटा आयन ये हो जाएगा और एनआईन ये हो जाएगा ये वन वन मार्क के हो गए नेक्स्ट पूछा कि सोडियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा एक ही फैमिली uh, ऑफ हैं जस्टिफाई करो तो सोडियम क्लोराइड इज एन और वॉशिंग सोडा इज एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो दोनों ही सोडियम सॉल्ट फैमिली से हैं दोनों ही यहाँ सोडियम uh, के सोल्ट हैं सो दैट्स वाई दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट ठीक है हेलो अक्षर नेक्स्ट यहां पर या तो और मैं पी स्केल को डिफाइन कर सकती हूँ पी स्केल इज द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ये बताता है कोई कितना एसिडिक या बेसिक है जीरो से फोर तक रेटिंग है जीरो से सेवन एसिडिक सेवन टू फोर्टीन बेसिक अराउंड सेवन इट इज न्यूट्रल ठीक है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड से बना सॉल्ट तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड एस टू फोर दोनों की रिएक्शन से बनेगा के टू फोर सल्फेट और दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट है उसका पी एच अराउंड सेवन हो जाएगा डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है एंड दिस वॉज अ लास्ट क्वेश्चन आई होप दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट यस रजनी थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस हेलो रजनी हाय व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर ओवरी हैजरी में है ना और हम तो विश करते के आप उससे भी आप ज्यादा अच्छा स्कोर करते हो बहुत बढ़िया स्कोर करते हो तो आपके साथ सेलिब्रेशन हम भी करेंगे आप आपका रिजल्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कीजिएगा yes, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर जो था वो एवरेज समथिंग नॉट सो टफ एंड नॉट सो इजी एवरेज पेपर है और इसी टाइप के पेपर हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट पेपर आपके उसके लिए बेस्ट ऑफ लक जो आई थिंक एस एस टी का है 7th और सेवन ऑफ मार्च को तो उसका जो लाइव डिस्कशन है वो भी इसी चैनल पर होगा तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो so डेट जब भी पेपर डिस्कशन हो आपको नोटिफिकेशन okay, भी मिल जाए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर है